हेलो भाई रोनी, आज आप क्या खा रहे हैं? ये एप्पल खा रहा है आज, और ये यहाँ पर इसलिए रहता है ओपन में क्योंकि इसको ओपन में रहने की आदत है। और घर में जब ये ओपन में रहता है, इसकी एक अच्छी आदत है कि ये जाता तो बाथरूम में है, टॉयलेट पॉटी के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन जो गंदी आदत वो है कि इसने पूरा घर कुतर दिया है। जहां ये जाता है, इसने नया सोफा लाया, दूसरे दिन ही कुतर दिया। तो भाई, अब हम इतने रईस तो नहीं है कि इसके लिए डेली डेली नया सोफा लेकर आएंगे कटाने के लिए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ जगह दे दी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से हिलता नहीं है बिल्कुल भी, ये यहीं पर रहता है और नीचे नहीं जाता है बिल्कुल भी। ओ मेला दू पुच्चू कल्ले पुच्चू, ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। सारी आदत इसमें अच्छी है, बस एक आदत है, इसने हमारी पूरी चादरें काट दी, हमारे ब्लैंकेट्स काट दिए, बच्चों के कपड़े कुतर दिए, ये हमारे स्लीपर्स तक उतर देता है। तो भाई, अब हमें भी जो है प्यार है, बहुत है, लेकिन इतना नहीं है, मतलब इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते। पैसा नहीं है इतना ज्यादा कि हम रोज रोज जो है नई नई चीजें लेकर आए। ये ऐसे ही प्यार प्यार से जब चाटता है और उसके बाद कब कपड़ों में छेद हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। ऐसी शराफत है इसकी। तो इसकी जो है शराफत पे ना जाए, इसकी प्यारी प्यारी गुलाबी आंखों पर ना जाए, ये बहुत ही शैतान है। तो सबसे पहले जिसकी आपको इंतजार रहता है, जिसके बारे में जानने का, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसीलिए मेरे ही चैनल का नाम है योगाचार्य अनुपमा टॉक्स, क्योंकि हम यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं जो कि आपको पसंद है, जो कि आप सुनना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और आज मस्ताना मौसम है और रंगी तो है नजारा, और मेरा दिल तो आपका हमेशा से ही था और आपका भी हो जाए हमारा। इसीलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझको लगातार फॉलो करते रहें और मुझसे भी अटैचमेंट जोड़ लें, जैसा कि मेरा आप लोगों के साथ है। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ खुशी से कि आप लोग जरूर देखोगे, ऐसे ही आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ मेरी लाइफ के साथ भी जुड़ें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि परसों मैंने जो वीडियो बनाया था, 6 लाख सब्सक्राइबर हिमाचल वाला के हो गए थे, उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, और आज ही उन्होंने सेलिब्रेशन वीडियो डाला है जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद खुश भी हैं। और उन्होंने बताया कि पिछली बार जब उनके 6 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था, शायद इसी का उन्हें जो है सजा मिली थी और उनके सब्सक्राइबर घट गए थे, 15,000 तक सब्सक्राइबर उनके डाउन चले गए थे, इसलिए उनके 6 लाख से कम हो गए थे। और अब फिर से एक बार उन्होंने 6 लाख सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ अगर आप लोग ज्योति का दिलायक की वीडियोस देखते हैं तो आज उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपनी शादी की तारीख बताई है, तारीख तो नहीं क्योंकि तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मंथ डिसाइड हो गया है। और उन्होंने बताया कि मार्च में उनकी शादी होने वाली है और बहुत सारे वेन्यूज जहाँ पर उन्होंने शादी करने के लिए सोचा था वो सारे बुक्ड हैं पहले ही, अभी से ही मार्च के सारे वेन्यूज पूरे बुक हो चुके हैं और वो सोच रहे हैं। और लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने सजेशन बताएं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि उन दोनों ने, रजत और ज्योतिका ने, ये डिसाइड किया है कि वो अपनी शादी का पूरा खर्चा खुद उठाएंगे, लेकिन अगर कोई भी कमी समी हुई तो पेरेंट्स तो होते ही हैं मदद के लिए और उनकी मदद करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन है ये, और हम अपने आसपास के सभी लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं जीवन में और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। भविष्य में आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और अपना साथ देते रहें।